नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिजीत और आप देख रहे हैं हमारी यूट्यूब चैनल मनी एक्सपी। तो दोस्तों, मुझे काफी समय से बहुत सारे कमेंट्स मिल रहे थे कि सर हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज है एसबीआई स्मॉल कैप फंड को लेकर और एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड को लेकर, तो प्लीज एक डिटेल वीडियो बनाओ इन दोनों फंड के ऊपर और बताओ कि कौन सा फंड ज्यादा बेटर है। तो आप सभी की रिक्वेस्ट पर ये वीडियो आप सभी के लिए, और वीडियो में मैंने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि कौन सा फंड आपके लिए ज्यादा बेटर है और कौन सा फंड रिस्की कम है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अभी जाओ यार चैनल को पहले जाके सब्सक्राइब कर लो और उसके बाजू में जो बेल आइकन उसको दबा दो और आज वीडियो को लाइक कर दो ताकि हम अपने टारगेट को इजिली अचीव कर सके। तो दोस्तों, चलिए यहाँ पर जान लेते हैं कि एसबीआई स्मॉल कैप फंड और एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड दोनों फंड में से कौन सा फंड बेस्ट है। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी के लिए छोटा सा डिस्क्लेमर है कि इस वीडियो को मैं सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूँ और इस वीडियो के जरिए मेरी आपको किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की कोई भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई भी सलाह नहीं है। तो चलिए बात कर लेते हैं एसबीआई स्मॉल कैप फंड के एनईवी के बारे में। तो यहाँ पर जब जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर कोई ग्रोथ ऑप्शन चूज करता है तो उसको एक यूनिट की कीमत जो है 51.98 रुपए देनी होगी और डिविडेंड ऑप्शन चूज करता है तो उसको 35.48 रुपए एक यूनिट की कीमत बढ़ेगी। चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड के एनईवी के बारे में। तो जहां पर अगर आप ग्रोथ ऑप्शन चूज करते हैं तो आपको एक यूनिट की कीमत 43.84 रुपए पड़ेगी और डिविडेंड ऑप्शन चूज करते हैं तो एक यूनिट की कीमत आपको 28.07 रुपए पड़ेगी। तो यहाँ पर इस डेटा को देखने के बाद हम लोग ये कह सकते हैं कि एचडीएफसी स्मॉल कैप सस्ता है एज कम्पेयर टू एसबीआई स्मॉल कैप फंड, क्योंकि इसमें जो है आपको एक यूनिट के पीछे 7 रुपए कम देने पड़ेंगे। चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं दोनों फंड के एसेट्स के बारे में। तो यहाँ पर एसबीआई स्मॉल कैप फंड का जो एसेट्स है वो 1038 करोड़ है और एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का जो एसेट है वो 4948 करोड़ है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो डेटा मैंने उठाया वैल्यू रिसर्च की वेबसाइट से उठाया और 30 सितंबर तक का ही उठाया है। तो प्लीज भविष्य में जाकर अगर आप कभी भी इस डेटा को देखोगे और जब डेटा चेंज हो गया होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में ये मत कमेंट करना कि मैंने आपको जो है गलत जानकारी दी है। तो चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं रिटर्न सिंस लॉन्च की। बात करें तो जब से एसबीआई स्मॉल कैप फंड लॉन्च हुआ तब से इसने 27.26% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है और जब से एचडीएफसी स्मॉल कैप लॉन्च हुआ तब से इसने जो है 19.03% का जो है पॉजिटिव रिटर्न दिया है। और जो है हम किसी भी फंड के रिटर्न के बेस पर उस फंड को जज नहीं कर सकते कि उस फंड वो फंड अच्छा है या बुरा है। तो यहाँ पर जो हम लोग इस पॉइंट को कंसीडर नहीं करेंगे। ओके, चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं एग्जिट लोड की। तो यहाँ पर दोनों जो फंड है उसका एग्जिट लोड 1% ही है। बेसिकली एग्जिट लोड ये होता है कि कोई फंड को लेने के बाद अगर आप 365 दिन के अंदर ही उस फंड से बाहर आ जाते हैं, फंड को बंद करवा देते हैं, तो उसके बदले में आपको जो हो 1% की पेनल्टी देनी होगी आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट का। तो चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो लास्ट जो है एक्सपेंस रेशियो की। तो यहाँ पर जो है इस फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है 1.47। अब एक्सपेंस रेशियो ये होता है कि जब आप किसी फंड में निवेश करते हो तो उसके बदले में आपके पैसों को मैनेज करने के बदले में फंड हाउस जो है आपसे कुछ फीस चार्ज करते हैं और उसी को जो है एक्सपेंस रेशियो कहा जाता है। तो इसका ये मतलब है कि अगर जो है आप एसबीआई स्मॉल कैप फंड में निवेश करते हैं तो आपको जो है हर साल 1.47% जो है फीस देनी होगी एसबीआई स्मॉल कैप फंड को। इसके बदले में अगर जो है आप एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड में निवेश करते हैं तो आपको जो है हर साल सिर्फ और सिर्फ 0.60% की एक्सपेंस फीस देनी होगी, यानी कि आपका जो इनडायरेक्टली लगभग 0.80% आपकी बच जाएगा, आपका जो पैसा है वो लगभग 1% तक का आपका जो पैसा हो बच जाएगा और वही पैसा आपको जो है रिटर्न के रूप में वापस मिलेगा। तो दो तीन चीजें हैं जहां पर इसका जो है ग्रोथ यानी कि एनएबी एसबीआई स्मॉल कैप से सस्ता है, इसके पास एसेट्स भी एसबीआई के मुकाबले काफी ज्यादा है। रिटर्न इस लॉन्च की बात करें तो इसने थोड़ा सा कम रिटर्न दिया है रिटर्न के मुकाबले में। एचडीएफसी थोड़ा सा पीछे है, एग्जिट लोड दोनों का सेम है, लेकिन एक्सपेंस रेशियो जो कि काफी अच्छा है एचडीएफसी स्मॉल कैप का। चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं इन दोनों फंड के ट्रेलिंग रिटर्न के बारे में। तो जैसा कि मैं आपको बताऊंगा कि ये ट्रेलिंग हम लोग कभी भी रिटर्न के बेस पे कम जो है किसी भी फंड को जज नहीं कर सकते कि वो फंड अच्छा है या बुरा। फिर भी लेकिन आपको जो है एक थोड़ा सा एक क्लियर कट आपको बताने के लिए मैंने जो है ये स्लाइड बनाई हुई है। तो यहाँ पर जो है ये है एसबीआई स्मॉल कैप फंड के ट्रेलिंग रिटर्न का जो है एक स्क्रीनशॉट है। इसके साथ ही जो है ये सेकेंड जो है यहाँ पर देखो फंड के रिटर्न्स मेंशन है ऑलरेडी 5 साल तक का। और नेक्स्ट जो है एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड के जो कि डायरेक्ट प्लान है
उसका भी मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पर डाला है, तो आप इन दोनों के रिटर्न को कंपेयर कर सकते हो। जैसे कि आप इसको देख सकते हो, पिछले एक महीने से ये जो फंड है 11.5% का निगेटिव रिटर्न दे रहा है, और यही जो ये फंड है 9.5% का निगेटिव रिटर्न दे रहा है। तो यहाँ पर ये जो फंड है कम रिटर्न दे रहा है, लेकिन ओवरऑल आप 5 साल का ट्रेलिंग रिटर्न देखोगे तो SBI स्मॉल कैप फंड ने जो है ज्यादा रिटर्न दिया है एज कम्पेयर टू HDFC स्मॉल कैप फंड के मुकाबले। लेकिन हम लोग को ये देखना है कि हमारा जो फंड है वो रिस्की ना हो, भले रिटर्न देने की क्षमता उसमें थोड़ी सी कम हो लेकिन रिस्की ना हो, ताकि आपके पैसे डूबे नहीं। तब तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर किसी ने 1000 रुपए की मंथली SIP की होती 5 साल के लिए, और जो हमने पीछे वाली स्लाइड में देखा था 5 साल से जो है SBI स्मॉल कैप जो है 32.33% का जो है पॉजिटिव रिटर्न देता आ रहा है, तो आज उसके कितने पैसे मिले होते यहाँ पर जाके सिंपली आप चार्ट पर भी देख सकते हो। यहाँ पर आपको ये चार्ट वाइज कैलकुलेट करके बताया कि जो है आपकी इन्वेस्टमेंट 12,000 थी, उस पर आपको जो है 15,842 रुपए का रिटर्न मिलेगा, ये भी है। प्लस इसके साथ ही आप शेड्यूल में क्लिक करोगे तो आपको जो है कैश फ्लो समरी मिल जाएगी। इसमें ये होगा कि अगर आप 60,000 रुपए जमा करते थे और आपको जो ब्याज है वो 32.33% का मिलता था, तो आपको जो टोटल जो आपका इंटरेस्ट हो जाता था अमाउंट में वो हो जाता था 85,828। इसके साथ ही आपको जो हर मंथली वाइज, हर ईयर भी और मंथली वाइज भी आपको जो है रिटर्न कैलकुलेट कर देता है कि आपको जो है दूसरे साल के जो है अप्रैल महीने में, देखो चौथा महीना यानी कि अप्रैल महीना में आपको आपकी इन्वेस्टमेंट का जो है कितना पैसा मिलता था, 22,779 रुपए। तो यहाँ पर टोटल जो हम लोग देख लेते कितना पैसा मिलता था अगर किसी ने SBI स्मॉल कैप फंड में निवेश किया होता था, तो 5 साल से अगर वो 1000 रुपए की मंथली SIP करते थे तो उनको आज पैसा मिलता था 60,000 रुपए, उनकी टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाती थी और उस पर जो ब्याज मिलता था 85,000 का, और टोटल जो उनका मैच्योरिटी बेनिफिट हो जाता था 1,45,828। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा कैलकुलेटर है, आपको जो है मंथली वाइज कैलकुलेट करके बताएगा। तो फिर से हमारी प्रेजेंटेशन पर, तो दोस्तों चलो हम लोग आगे फिर से हमारी प्रेजेंटेशन पर, और आगे की स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, जिसमें हम लोग रिस्क मेजरमेंट रेशियो के हिसाब से देखेंगे कि कौन सा फंड रिस्की है, कौन सा फंड कम रिस्की है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, और बहुत ही मेहनत लगती है यार ऐसी स्लाइड बनाने में, फिर प्रेजेंटेशन करने में, फिर आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है, अभी मुझे 2-3 घंटे और जाएंगे इसको एडिट करने में। तो प्लीज वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करके जाना। तो यहाँ पर चलिए बात कर लेते हैं, यहाँ पर जो है मैंने SBI बेंचमार्क के जो है रिस्क मेजर, इसके साथ हम लोग कंपेयर करेंगे कैटेगरी को, और कैटेगरी ये मतलब चारों फैक्टर को एक दूसरे साथ कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि इनमें से कौन सा बेस्ट है, कैटेगरी बेस्ट है, कैटेगरी ने अच्छा परफॉर्म किया है, फिर या SBI के बेंचमार्क ने परफॉर्म किया कि SBI स्मॉल कैप फंड ने या फिर HDFC स्मॉल कैप फंड ने। तो यहाँ पर जो सबसे पहला है हमारा जो है मीन मतलब हमारे फंड का जो है एवरेज रिटर्न कितना है, और जितना ज्यादा मीन अच्छा होगा उतना ज्यादा ही हमारा फंड अच्छा होगा। तो चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं SBI बेंचमार्क की। तो SBI का जो बेंचमार्क का जो रिटर्न है एवरेज रिटर्न वो रहा है 9.78%, और कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न है वो 13.10%, और SBI स्मॉल कैप फंड का जो एवरेज रिटर्न है वो रहा 19.28% का। यहाँ पर चलिए जान लेते हैं HDFC स्मॉल कैप फंड के एवरेज रिटर्न के बारे में, तो जो कि है 19.15%। तो यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा जो एवरेज रिटर्न है वो SBI स्मॉल कैप फंड का है, ओके। लेकिन इस हमको अभी तक ये मालूम पड़ा कि एवरेज कौन जो अच्छा रिटर्न कौन दे रहा है, लेकिन हमको ये नहीं मालूम पड़ा है कि रिस्की कौन है और रिस्क फ्री कौन है। तो चलिए जानते हैं हम लोग दूसरे पैरामीटर के बारे में, जो है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन ये बताता है कि आपका जो फंड है वो कितना वोलेटाइल है, कितना रिस्की है, और जितना ज्यादा जो है स्टैंडर्ड डेविएशन हाई होगा उतना ज्यादा आपका फंड रिस्की होगा। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे कम होना चाहिए तभी आपका फंड रिस्क फ्री माना जाएगा। तो चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं SBI बेंचमार्क का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कितना है। यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन जो है इसका 22.97% है, जो कि काफी ज्यादा है, और कैटेगरी का 19.78% है। SBI स्मॉल कैप का जो है 20.56% है, और HDFC स्मॉल कैप फंड का जो है 18.26% का है। तो जैसा कि मैंने बोला था, जिसका जो है ये जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे ज्यादा होगा वो फंड ज्यादा रिस्की माना जाएगा। तो बेंचमार्क यहाँ पर सबसे ज्यादा रिस्की है, उसके बाद जो है SBI स्मॉल कैप फंड, और सबसे कम रिस्की जो है इसमें HDFC स्मॉल कैप फंड है, जो कि है 18.26%। बेसिकली 18.26
18.26% सबसे कम है। तो यहाँ पर जो हम लोग ये कह सकते हैं कि HDFC स्मॉल कैप फंड SBI स्मॉल कैप फंड के मुकाबले कम रिस्की है, कम वोलेटाइल है। चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं शार्प रेशियो की। तो शार्प रेशियो बेसिकली ये होता है कि आपका जो फंड है वो एक यूनिट का रिस्क लेकर कितना रिटर्न जनरेट कर सकता है। तो जितनी ज्यादा शार्प रेशियो होगी उतना ज्यादा ही फंड अच्छा माना जाता है। तो चलिए जाते हैं यहाँ पर बेंचमार्क की देखते हैं। तो बेंचमार्क की जो शार्प रेशियो है 0.15% है, कैटेगरी की जो शार्प रेशियो है वो 0.34% है, और SBI स्मॉल कैप की जो शार्प रेशियो है वो 0.363% है, और HDFC स्मॉल कैप की जो शार्प रेशियो है वो 0.70% है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि जितना ज्यादा शार्प रेशियो होगा उतना ज्यादा फंड अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पर भी जो शार्प रेशियो सबसे ज्यादा HDFC स्मॉल कैप फंड की है, तो यहाँ पर जो है HDFC स्मॉल कैप फंड अच्छा माना जाएगा। यहाँ पर दो चीजें अभी भी HDFC स्मॉल कैप फंड के फेवर में है, और जो रिटर्न का मामला है वो उसमें जो है SBI स्मॉल कैप फंड सबसे आगे है। चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं शॉर्टिनो रेशियो की। तो बेसिकली शॉर्टिनो रेशियो भी शार्प रेशियो का एक रिफाइंड वर्जन है, और ये देखता है कि जो है हमारा जो फंड है वो कितना बैड रिस्क लेकर रिटर्न जनरेट करता है। अब जितना कम बैड रिस्क होता है उतना ज्यादा ही शॉर्टिनो रेशियो हाई होता है, और जितना ज्यादा शॉर्टिनो रेशियो हाई होगा उतना ज्यादा ही हमारे फंड के लिए अच्छा होगा। तो चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं बेंचमार्क के शॉर्टिनो रेशियो के बारे में। तो यहाँ पर जो बेंचमार्क का शॉर्टिनो रेशियो है वो 0.19% का है, और कैटेगरी का जो शॉर्टिनो रेशियो है वो 0.47% है, और SBI स्मॉल कैप फंड का जो शॉर्टिनो रेशियो है वो है 0.94% का, और HDFC स्मॉल कैप फंड का जो है शॉर्टिनो रेशियो है 0.97% का। तो यहाँ पर जो है HDFC स्मॉल कैप फंड का जो शॉर्टिनो रेशियो सबसे ज्यादा हाई है। तो यहाँ पर जो है इस पैरामीटर को देखने के बाद भी जो विनर है वो HDFC स्मॉल कैप फंड। हालांकि 3 पॉइंट जो है HDFC स्मॉल कैप फंड के फेवर में है, और 1 पॉइंट जो है SBI स्मॉल कैप फंड के फेवर में है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं अगले पैरामीटर के बारे में, जो कि है बीटा वैल्यू। और बीटा वैल्यू भी स्टैंडर्ड डिविएशन की तरह जो किसी फंड की रिस्क और वोलेटाइल को ही बताता है। तो जितनी ज्यादा बीटा वैल्यू हाई होगी उतना फंड रिस्की माना जाता है। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं बेंचमार्क की बीटा वैल्यू कितनी है। तो यहाँ पर जो बेंचमार्क की बीटा वैल्यू आपको कभी भी नहीं मिलेगी, लेकिन उसको जो है 1% पकड़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि बेंचमार्क की जो बीटा वैल्यू 1% है, और कैटेगरी के जो बीटा वैल्यू है वो 0.83% है, और SBI स्मॉल कैप फंड की जो बीटा वैल्यू है वो 0.82% है। तो यहाँ पर जो है इन दोनों की बीटा वैल्यू को देखने के बाद हम लोग ये कह सकते हैं कि SBI स्मॉल कैप फंड इन दोनों के मुकाबले कम रिस्की है। लेकिन जब अगर आप HDFC स्मॉल कैप फंड की बीटा वैल्यू को देखोगे, तो ये जो है इसकी जो बीटा वैल्यू है 0.77%, और इसको देखने के बाद आप ये कहोगे कि भाई ये जो HDFC स्मॉल कैप फंड है वो SBI स्मॉल कैप फंड कैटेगरी और बेंचमार्क तीनों के मुकाबले कम रिस्की है, कम जोखिम है। तो ये पॉइंट भी जो है HDFC स्मॉल कैप फंड के फेवर में जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं अल्फा वैल्यू की। तो बेसिकली अल्फा वैल्यू ये होती है कि आप जो भी रिटर्न प्रेडिक्ट करते हो उससे ज्यादा अगर जो है फंड रिटर्न देता है तो उसकी अल्फा वैल्यू हाई मानी जाती है, अल्फा वैल्यू अच्छी मानी जाती है। और जितनी ज्यादा अल्फा वैल्यू हाई होगी उतना ज्यादा फंड अच्छा माना जाता है, और उसकी रिटर्न देने की क्षमता भी उतनी ज्यादा होती है। तो चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं बेंचमार्क की अल्फा वैल्यू की, जो कि नहीं है, कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर कैटेगरी की अल्फा वैल्यू को देखेंगे तो यहाँ पर जो है कैटेगरी की अल्फा वैल्यू भी पॉजिटिव में है 3.91% की, और हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जितना सोचा था उससे 3.91% ज्यादा का रिटर्न दिया है कैटेगरी ने। चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं SBI स्मॉल कैप फंड के अल्फा वैल्यू के बारे में, तो जो कि है 10.12%, और इसके बारे में भी यही कहना होगा कि जितना सोचा था उससे 10% का ज्यादा का रिटर्न दिया है SBI स्मॉल कैप फंड ने। लेकिन जब अगर आप HDFC स्मॉल कैप फंड की अल्फा वैल्यू को देखोगे जो कि है 10.17%, तो यहाँ पर जो है ये इस अल्फा वैल्यू के मामले में भी जो है HDFC स्मॉल कैप विनर है। और इसको देखने के बाद हम लोग ये कह सकते हैं कि जितना सोचा था उससे 10.17% का ज्यादा का रिटर्न दिया है HDFC स्मॉल कैप फंड ने। तो यहाँ पर देखो सिर्फ और सिर्फ जो मीन जो एवरेज रिटर्न है उस वो जो पॉइंट है वो सिर्फ SBI स्मॉल कैप फंड के फेवर में गया है। बाकी की जो 5 पॉइंट है स्टैंडर्ड डिविएशन, शार्प रेशियो, शॉर्टिनो रेशियो, बीटा वैल्यू और अल्फा वैल्यू, इन सभी मामलों में जो HDFC स्मॉल कैप फंड विनर है। और भाई प्लीज कभी भी किसी भी फंड के रिटर्न्स को देखकर उसमें इन्वेस्ट मत करना,
क्योंकि उसमें कितना रिस्क है ये सब इन सब फैक्टर की वजह से आपको मालूम पड़ेगा। तो अगर आप इसको समझते हो जानते हो तो आप खुद ही किसी भी फंड का जो है रिसर्च कर सकते हो, रिव्यू कर सकते हो और उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जाना, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में और बहुत ही टाइम मुझे और भी देना पड़ेगा इसको एडिट और अपलोड करने में। तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक करके जाना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए कुछ ना कुछ सीखते रहिए। What is day trading of stocks? Speculating on a buy or a sell of a particular share, commodity, index or currency that takes place strictly only on the same day. Positions can be opened the second the markets open or throughout the day. However, all positions must be closed before the market closes for that trading day. Traders that use this trading strategy are known as day traders. Depending on the type of trader you are, be it longer or shorter term, any trading in the short term will have more profit as well as risk of loss potential. It is fast and trades are entered into and exited in a short period of time. So this is day trading.